बंधे एक डोरी से। ये 5 लाख का चेक है। शिवानी के इलाज है। और तुम इसे स्वीकार करोगे, मना नहीं करोगे? आप क्या कह रहे हैं वीर प्रताप जी? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? रघु जी, क्यों नहीं ले सकते आप? माधवी जी, रघु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग वैसे ही हम दोनों पर कितना एहसान कर चुके हैं, अब हम और एहसान नहीं ले सकते आपसे। एहसान, कितने अफसोस की बात है शिवानी की, कि आप दोनों अब भी हमें अपना नहीं समझते। ठीक है, मैं आज इस अपने पराई की दूरी को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। रघु जी, अपना हाथ आके कीजिए। रघु जी, ये सिर्फ एक रोल ही नहीं है, इसे आप एक बहन की तरफ से अपने भाई के हाथ पे बंधी राखी समझिएगा। आज से आप मेरे मुंह बोले भाई हुए। और अब अगर हम आपके और शिवानी के लिए कुछ भी करेंगे तो आप उसे एहसान का नाम तो नहीं देंगे ना? क्या कहूं माधवी जी, हम कुछ खुशकिस्मत हैं कि हमें आपके जैसे लोग मिले शहर में। लेकिन माधवी जी, प्लीज मुझसे ये सब करने के लिए मत कहिए। मैं नहीं ले सकता पैसे। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इतनी बड़ी रकम मैं लौटा भी नहीं पाऊंगा। लौटाओगे? मैं बताता हूं कैसे। मेरे बॉडीगार्ड ने नौकरी छोड़ दी है और मुझे एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड की जरूरत है। तुम अब यह नौकरी संभालोगे। और सैलरी के तौर पर मैं तुम्हें 25,000 रुपए हर महीने दूंगा। 25,000? अब तुम ये 5 लाख रुपए रखोगे और अपनी सैलरी से इसे चुकता करोगे। देखो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। अब तुम्हारे पास नौकरी है, ये पैसे हैं, शिवानी का इलाज करा था, लो।
लीजिए। आपका इलाज हो जाएगा बीबी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ रघु, और अब तुम्हें भी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो बच्चे नहीं होंगे। क्या कर रही है? बारिश हो रही है, अंदर चलिए। बेबी जी अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। बेबी जी आइए, अंदर आइए। क्या कर रही हैं आप वहाँ पे अंधेरे में? इतनी बारिश हो रही है, आप भीग गए, तबियत खराब हो जाएगी। चलिए अंदर चलिए। वो टेंशन मत लो, वो बस हम बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने आए थे यही बार। यहाँ पे लेकिन एक्सक्यूज मी, तुमने हमें फिर से बेबी जी बोला ना, है ना रघु जी? मैंने फिर से बोला जी हाँ। बेबी जी अब इतने सालों से बोलता रहा हूँ ना बेबी जी, इसलिए अभी
अभी आदत नहीं हुई मुझे। ओह, तो एक काम करो, आदत डाल दो हमें शिवानी बोलने की, क्योंकि अगर हमें आदत पड़ गई ना तुम्हें रघु जी बोलने की, तो फिर शिकायत करते फिर ना। क्यों आप ऐसे बोल रही हैं? अच्छा आप अंदर चलिए, आप पूरी भीगी हैं, चलिए अंदर चलिए। अब एक मिनट, अब क्या हो? क्या हुआ? हुआ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें? मतलब देखो ना, इतना सुनसान, कुछ अलग सा ही है। एक बार चल के देखते हैं ना रघु, चलो ना। ठीक, क्या हो गया? कुआं ही तो है, और इतनी बारिश हुई, आप क्यों जाएंगे? आप चलिए कल देख लीजिएगा। हमसे ना रहा नहीं जा रहा, हमें प्लीज वहाँ जाके देखना है। बारिश हो रही है, आप कैसे जाएंगे? रघु तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? चलो एक मिनट, चलो चलो चलो। अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग इतने अंधेरे में? वो कुछ नहीं, बस ये कुआं देखने जा रहे थे। अरे मैं जब से आई है ना, तब से कुआं ऐसे ही सूखा पड़ा है, आता नहीं, कोई आता जाता नहीं इधर। अब चलो घर के अंदर, पता नहीं यहाँ कितने कीड़े मकोड़े होंगे। चलिए ना, चलिए बंदर, चलिए। आई ना, आई। भैया जग टूट गया। हाँ। ओहो, लगी तो नहीं तुम दोनों को? चलो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए यहाँ से। हमें तो नहीं लगी, पर जग को लग गई। हे भगवान, तुम दोनों भी ना कितने बदमाश हो। चलो जाओ अब अंदर जाके खेलो, और यहाँ आसपास मत आना, कांच लग जाएगा, हम साफ कर देते हैं। अरे संभल के खेलना। कितनी मीडियोकर शादी थी, मल्टी क्यूजीन के नाम पर सिर्फ इंडियन, चाइनीज और थाई, मैक्सिकन की एक डिश नहीं थी। पर क्या कहें, अपने अपने स्टैंडर्ड की बात। डम्ब गर्ल, कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? ये क्या कर रही हो? टूटे हुए कांच को हाथ से उठाता है क्या? खून निकल गया तो सारा का सारा फ्लो खराब हो जाएगा। डू यू केयर और नो व्हाट एन इडियट गर्ल। अरे जी वो हम बेबी जी, बेबी जी क्या कर रही हैं आप? लाइक लग जाएगी आपको, आप छोड़िए। लो, लगता भाई ने दो नौकर रख लिए। रो भी ना, रिजोल का पैसा है ना। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं? Who are you? भाभी, आपने कैसे जाहिल इलिटरेट से नौकर रखे हैं? कहां से लाए हैं? सुनंदा, ये नौकर नहीं है, ये दोनों हमारे मेहमान हैं, रघु और शिवानी। जोधपुर से आए हैं। जोधपुर? रियली? ऐसे स्मॉल टाउन में हमारे कौन से रिश्तेदार हैं? सुनंदा, तुम इन्हें नहीं जानती। व्हाटएवर। भाभी, हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं अपने रूम में, चलो।
यार आई एम सो सॉरी। इनकी बात का बुरा मत मानना, ये मेरा भाई है और उसकी वाइफ। नहीं नहीं इट्स ओके वीर प्रताप जी, उनको शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी, इट्स टोटली फाइन। आरुष ये तुम्हारे लिए रेसिंग कार। थैंक यू छोटी माँ। और हमारी क्यूटी पाई, हमारे लव के लिए हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। देखो ये बड़ा सा हेलीकॉप्टर। थैंक यू माँ, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर तो किसी के पास भी नहीं हो सकता। वो तो है। मुझे भी चाहिए इतना बड़ा हेलीकॉप्टर। आरुष तुम्हें दिया ना गिफ्ट, खेलो इसके साथ जाओ। लेकिन मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तुमने इधर आओ। आरुष आरुष तुमने सुना नहीं, साहिल का गिफ्ट वापस करो अभी। मैं वापस नहीं करूंगा, आप मेरे लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले आए? ये गिफ्ट मैं रखूंगा। अच्छा जुबान लड़ाता है, इधर आ बदतमीज, छोटे भाई का गिफ्ट छीनेगा। हाँ सॉरी, लेकिन आप प्यार से भी तो समझा सकती हैं ना? आरुष बच्चा है, समझ जाएगा। इसमें हाथ उठाने वाली कोई बात नहीं है। ओह, तो तुम हमें समझाओगी कि अपने घर में हमें किसे कैसे पेश आना है? लेकिन हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। अब आरुष, अच्छे बच्चे हो ना आप, एक काम करो अपने छोटे भैया का हेलीकॉप्टर वापस कर दो। हम आपको नया हेलीकॉप्टर ला देंगे। हमें इससे भी बड़ा वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। प्रॉमिस, आपको इससे बड़ा वाला हेलीकॉप्टर ला के देंगे। गुड बॉय। ये लो आपका छोटा और गंदा हेलीकॉप्टर, हमें नहीं चाहिए। सुनंदा जी ये इस तरह से बात कर रही थी, फिर भी माधवी जी कुछ कहती क्यों नहीं उन्हें? चलो रघु। बैठी हुई ये राजा है, 10 साल से हमारे साथ, पर उसे मन चलो। उस दिन तो बच गए थे मिस्टर वीर प्रताप सिंह, पर ज्यादा दिन आखिर कब तक भागोगे अपनी मौत से?
कैसे मेहमान बुलाए भाभी आपने घर में, जो हमें हमारे घर में तमीज सिखा रहे? कैन यू इमेजिन हमें? सुनंदा प्लीज शांत हो जाओ, वो इस घर में नई है ना, नहीं जानती कि साहिल की तरह आरुष भी तुम्हारा बेटा है।